सरापा बाजार में, जहाँ पे जोशी साहब के दही बड़े बहुत फेमस है। इनको जोशी साहब के फ्लाइंग दही बड़े करके भी जाना जाता है। अभी देखते हैं जोशी साहब अभी दही बड़े उड़ाने वाले हैं। इनका जो प्रोसीजर है देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे वड़ा लेते हैं, बाद में उसके ऊपर दही डालते हैं। और देखो उछाला दही, क्या बात है, ये उछाला क्या बात है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग दही वड़े, क्या बात है सर जी। और इसमें देखिए मसाला आ गया इसके ऊपर, क्या बात है क्या बात है, ये बन गया फ्लाइंग दही वड़ा, इसको बोलता है फ्लाइंग दही वड़ा। काफ़ी भीड़ आता है यहाँ पे, देखिए देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। गरम गरम दही वड़े तले जा रहे हैं और अभी जोशी साहब फिर से एक वड़ा बना रहे हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए ये जो एरिया आता है सरापा बाजार में आता है इंदौर में, काफ़ी फेमस है यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे भीड़। अभी हम लोग बात करेंगे, कुछ ग्राहक यहाँ पे है उनसे बात करेंगे, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जोशी दही वड़ा, दही वड़ा का रेट भी दिख रहे हैं आपको, दही वड़ा आता है 60 रुपीज़ और क्वालिटी एक नंबर सर। देखते हैं यहाँ पे ग्राहक बैठे हुए वेटिंग है यहाँ पे। देखिए देख सकते हैं आप पूरा रॉ मटेरियल यहाँ पे है। जोशी सर नमस्कार, मैं नासिक से आया हूँ, विनय कोठादे व्लॉग में आपका स्वागत है। सर कब से है आपका ये दुकान? क्या बात है, देख सकते हैं आप, ये टाइम्स वालों ने भी कवर किया है सर का, जोशी का दही वड़ा जिसको हिंदी में बोला जाता है, फ्लाइंग दही वड़ा, यहाँ पे फ्लाइंग हो रहा है दही वड़ा है, दैट्स वाई इट्स कॉल अ फ्लाइंग दही वड़ा, ग्रेट। देख सकते हैं आप ये बन गया आपका, एक बार फिर से उड़ाएंगे, यस 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 फिर से उड़ाने वाले हैं सर, देख सकते हैं आप फिर से उड़ा रहे देखो जल्दी, यस 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 देख सकते हैं आप। ये उड़ गया दही वड़ा ये, क्या बात है, That's why it's called a flying dahi vada. क्या बात है, ये है दही वड़ा, फ्लाइंग दही वड़ा, जोशी साहब का फ्लाइंग दही वड़ा। लोकेशन देख सकते हैं आप, जोशी सर कचौरी भी रखते हैं आप यहाँ पे? हाँ, आइटम है, कचौरी है, भुट्टे का घी है, पेटी, ये लिखा हुआ है इसके पर। अच्छा अच्छा, ये लिस्ट है। जी 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 जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। दही वड़ा खाओ, ये दही वड़ा का क्वालिटी देख सकते हैं आप, काफ़ी क्रिस्पी है, काफ़ी इसमें मसाला भी डाला हुआ है। और जोशी साहब का दही वड़ा खाने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे बाहर से भी आते हैं, आउट ऑफ सूरत से भी, इंदौर से भी आते हैं, सूरत से लोग आते हैं, देख सकते हैं, वेरी यम्मी मीन्स। मैंने काफ़ी दही वड़े खाए लेकिन इसके जैसा दही वड़ा है, इट्स अ डिफरेंट, जो बोल सकते ना, इट्स अ डिफरेंट, यू कैन सी, यू कैन फील इट, ये वेरी अमीन, सो यू मस्ट विजिट हियर। उसी साहब का दही वड़ा, फ्लाइंग दही वड़ा बोलते हैं, उड़ता हुआ दही वड़ा इसको हिंदी में कहा जाता है। और इसको अगर आपको यहाँ पे आना होगा तो आपको सरापा बाजार आना पड़ेगा, सो मस्ट विजिट उसी साहब का दही वड़ा। हम लोग यहाँ पे जो ग्राहक आए उनसे अभी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये दही वड़ा कैसा लगता है। सर नमस्कार, आप कब से आ रहे हैं ये दही वड़ा खाने के लिए? मुझे लगभग हुआ है 15-20 साल। 15-20 साल से आ रहे हैं, और क्या अच्छा लगता है आपको जोशी साहब? हमारे बाबू जी के हाथ की जो कलाकारी है, हाँ, दही वड़े की, उसका स्वाद लेने आ जाता। अच्छा, यानी उस स्वाद के साथ उसके साथ प्रेम भी देते हैं? प्रेम भी देते हैं, जो परिवार बाहर वाले आते हैं स्पेशल लेके आते हैं, दोस्त आते हैं उनको लेके आते हैं। अच्छा, तो आप बेसिकली फ्रॉम इंदौर ओनली? इंदौर। तो अच्छा, आप आते हो हमेशा? आते हो। और जो आपका जो उनका कलाकारी है फ्लाइंग दही वड़ा, तो दिल विदा हमारा। अच्छा अच्छा, लोग इसलिए दूर दूर से आते हैं? दूर दूर से आते हैं। आप क्या कहेंगे भैया?
कैसे लगता है आपको हो जाएगा? एक नंबर वड़ा, एक नंबर वड़ा है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। 10 में से 10 कितने मार देंगे सर आप? हम तो पूरा 10 देंगे। 10 से 11 भी दे देंगे? 11 भी दे देंगे। क्या बात है। 10 वड़ा के लिए और 1 उनके लिए, प्रेम के लिए। प्रेम के लिए। क्या बात है। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं पूरा मेनू कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है। जोशी दही बड़ा, इस पे आपको दही बड़ा मिलेगा 60 रुपीज, भट्टे का किस 40, कचौरी भी मिलती है यहाँ पे 15 रुपीज, पैटिस 25, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, गुलाब जामुन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे और काफ़ी नीट और क्लीन रखा है यहाँ पे उन्होंने। यहाँ पे अगर देखोगे आप पूरा टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है इनको, जोशी साहब को। सो और क्वालिटी भी देख सकते हैं आप, क्वालिटी पूरा मेंटेन रखा हुआ है, बहुत बढ़िया देख सकते हैं। जोशी सर साहब, आपका एज क्या है सर? वैसे गुलामों की उम्र नहीं होती, दिन भर काम करते हैं। क्या बात है, ये बात नवाबोबादी बात कह दी आपने एकदम। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। और काफी अच्छा बढ़िया टेस्ट है आपका। प्रभु की कृपा है, प्रसाद है ना। आओ, जी 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 जी, बहुत दिन में आया। देख सकते हैं काफी प्रेम से आप वो ग्राहकों से बात करते हैं। तो ग्राहक नहीं है, गलत है, राम गिराक नहीं थे, मालिक थे उसके। वो मालिक थे, मालिक। क्या बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। सो यही है जोशी साहब के जो बोलने की कला है, इसके लिए वो ग्राहक नहीं है, दे आर थिंकिंग दिस इज देयर फैमिली, नॉट फैमिली, दे आर मालिक एक्चुअली। क्या बात है। सो बहुत अच्छा लगा जोशी साहब से मिलके, मैं भी रिकमेंड करूँगा आपको, आइए इंदौर में। जब जी जी, हाँ जोशी साहब, जोशी जी के दही बड़े, आइए और खाइए। सही बात है, चलो धन्यवाद।